सारे के सारे सासू माँ सबसे आगे दिख नहीं रहे, कुरकुरे लेके जा रहे, मैं सबसे पीछे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्रणाम है और छोटों को जी भोरी आशीर्वाद। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने रूम से और आप देख रहे होंगे मैं तैयार श्यार हो रखी हूँ। तो हाँ, उसके बारे में अभी बताती हूँ। फिलहाल तो स्वामी जी आ चुके हैं मुँह हाथ धो के और टाइम हो चुका है सुबह के, करेक्ट 4 बज चुके हैं। और आप सोच रहे होंगे 4 बजे ये कहाँ जा रही है। हाँ, तो 4 बजे मैं ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली हम जा रहे हैं अपने गांव। तो फिर कुछ दिन आपको हमारे गांव के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो फिर दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, मैं बताना भूल गई थी, जेठ जी भी आज ही आए, सुबह आ गए थे जेठ जी 3 बजे। तो फिर स्वामी जी गए थे आधे तक लेने के लिए। तो फिर आपको दिखाते हैं सब क्या क्या कर रहे हैं। मैं तो हो गई रेडी, मैंने ये सूट पहना, आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, है ना। तो आप मेरे साथ बने रहो। तो चलो देखते हैं कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले देखिए हमें काजू मैम, सारे काजू मैम को गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग तथास्तु। और ये है सासू माँ, इन पे कपलाट जरूरत ज़्यादा रहती है। और ये देखना चाय, देखना कितना मसाला। अब मैंने तो दोस्तों सासू माँ ने चाय बना दी है और मैंने एक रोटी पहले ही खा ली थी क्योंकि मैंने दवाई खानी थी। अरे पागल भी खा रही है ये, तो पूरे रास्ते कुछ भी नहीं खाएंगे, पता नहीं कैसे ही भूखे रहेंगे। हम तो 3 धारा पे खाएंगे। आपको जेठ जी से मिलाते यार। जेठ जी आ गए। ईद बन गई मेरी, मुझे चांद नजर आ गया। तो लड्डू फोड़ रहे हैं। तभी मैं बोल रही हूँ सुबह सुबह ग्लो सा कैसे मारना चाहिए। स्माइल देखना, ओ माय गॉड, ठीक 5 इंच की स्माइल जा रही तेरी। ओ माय गॉड, ऐसे फनी टाइप में मत टाल, अपने चेहरे की हंसी को जरा ढंग से दिखा, मुस्कुरा। टाइम 4 बज गया, 4:10। तो दोस्तों ये टेंशन में आ रहे कि क्या पहनूं मैं, कि तो अभी टी शर्ट ढूंढ रहे हैं अपने लिए। तो फिलहाल मिल चुकी है इन्हें एक टी शर्ट, कौन सी मिली है पता नहीं, कति सफ़ेद लगना पड़ा तुम्हारा तो इनका ना सफ़ेद हो तो छो में ये वाली टी शर्ट पहन दे इनका, ठीक है एक टी शर्ट पहनो और पूरे दिन घूमते रहो, है ना, पूरे पूरे क्या पूरा साल निकल जाता है उसमें, है ना बुढ़ा। नौकरी लुस्ते लगना मत कहते हो आप ना। ये भी बनेंगे स्नेक एंड फैमिली के मेंबर। तो दोस्तों आपको दिखाते रहेंगे जो भी होगा। हाँ, वो जो टैक्सी ड्राइवर थे उनकी कॉल सुबह 3:30 बजे ही आ गई थी। और हाँ, मैं तो झटपट से तैयार होगी नहा धो के, और बाकी तो कोई भी अभी तैयार नहीं। तो देखो गाइस, सासू माँ को रात भर नींद भी नहीं आई, कहीं सुबह जाना होगा तो उन्हें रात भर नींद नहीं आती। और देखना, और हमारा भी सारा सामान बिखरा पड़ा था क्योंकि मेरी सूट भी कल ही आई थी और प्रेस करने के लिए मैंने प्रेस भी नहीं करी, बैग में प्रेस रख दी और कपड़े रख दिए, और साथ ही सब कुछ करूँगी उनका प्रेस घर में जाके ही करूँगी, इसी पर किया था बस। और फिर कितने बजे सोए हम रात को, 1 बज गया था, सो रहा सुबह 3 बजे उठ गए, आंखों में अजीब सा हो रहा, ठीक है टैक्सी में नींद आ जाएगी ना। तो टैक्सी वाले ने भी अभी तक फ़ोन किया था और आप पता नहीं कहाँ, हम पे जल के लगा के खुद आराम से। तो दोस्तों वो देखो वहाँ आ चुका है टैक्सी वाला और जेठ जी जा रखे हैं उन्हें लेने, मतलब रास्ता दिखाने। ये देखो आ गए, तो टैक्सी यहाँ पर मोड़ काट रही है और जेठ जी वहाँ खड़े। तो दोस्तों मैं इनके पास सामान देती हूँ, अब ये सामान चढ़ाएंगे ऊपर। तो दोस्तों मिलिए जेठ जी को, प्रणाम कीजिए सबके साथ।
तो दोस्तों हम सब डन हो चुके हैं जाने के लिए। काजू जी जी चप्पल पहन रहे हैं तो निकलते हैं फिर। मैंने भी जूते पहने हैं, काजू ने चप्पल, जेजी ने जूते, स्वामी जी ने जूते और निकलते हैं अब। तो दोस्तों हम लोग टैक्सी में बैठ चुके थे घर से, तब तो बहुत अंधेरा हो रहा था और मैंने बोला ना दवाई खाई थी तब से नींद आ रहा था ना, अभी भी आँख खुली नहीं थी मेरी तो। और ये दोनों चले गए हैं रोटी खाने नाश्ता करने और मैं भी जा रही हूँ उनके साथ ही। चलो देखते हैं क्या क्या खाते हैं। काजू और सासू माँ दोनों खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से है और इधर का अभी दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ उतारा इन्होंने। और ये हाथ धो रहे हैं भैया खड़े। तो दोस्तों ये रहा मेनू। तो दोस्तों मैंने क्या आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं इधर। काजू यहाँ पे बैठी। तो दोस्तों मैं नाश्ता करके आ चुकी हूँ, काजू भी हमारे साथ बैठती है। अब काजू अंदर आ चुकी, बहुत नींद आ रही है, वो दवाई खा के जाने। चलो ठीक है, अभी भैया और ये तो नहीं आए, देखते हैं कब तक आते हैं, तब दिखाते हैं आपको। कैसे हो रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने ससुराल में, अब आपको दिखाएंगे। अभी छत से सामान ये भी नहीं चढ़े, छत में कोई नहीं चढ़ा और हम सो के इतनी नींद आ रही मुझे भी, दवाई खा के भी अभी आज पूरे रात भर नींद ही आती रहेगी मुझे। तब दिखाते हैं आपको अपना गांव, दिखाएंगे मतलब ससुराल हम दोनों का है ना। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ये सामान निकाल रहे हैं और
ये रहा ग्राम सभा कपरौली में आपका स्वागत है। यहीं से हम ऊपर जाएंगे और जेठ जी और स्वामी जी मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ खड़े हो रखे, तो हम भी उधर ही जाएंगे। हमारा सामान उतर चुका है सारा और सासू माँ जा रखे हैं अंदर, पता नहीं क्या लेने। और दोस्तों ये है कंडाली, इसकी भुज्जी भी बनती है और इसे हम मार भी खाते थे, और वैसे इसे हिंदी में बिच्छू घास बोलते हैं मेरे ख्याल से, हम इसे कंडाली बोलते हैं। बहुत तेज लगता है इससे। तो दोस्तों मेरे पास ये बैग है और ये जा रहे हैं बैग लेके सारे के सारे, सासू माँ सबसे आगे दिख नहीं रहे, कुरकुरे लेके जा रहे हैं, मैं सबसे पीछे। और दोस्तों ये है तुमड़े का बेल, इसमें तुमड़े होंगे। पहले तुम मल्टो डालो पर दाग ले जाओ, ये हमारे ससुर जी। तो दोस्तों हम घर में पहुंच चुके हैं और ये हमारी काकी सास जी यहाँ पे एकदम फ्रंट में ही बर्तन मांज रहे बना लिया। ये हमारे ससुर जी है, जेठानी जेठ जी और मेरे ससुर जी। किले अब पानी सोलाम ये इनकी फोटो देखना कितने गंदे लग रहे हैं। दीवरा जी ठीक ठाक, धन्यवाद। तुम तो सरवाना जी तो ये है गांव बोल तो ये इनके बचपन की फोटो, मुंह देखना अभी भी नहीं चलो। दोस्तों जब मैं पहली मतलब पिछली बार यहाँ पे आई थी तो तब यहाँ पे एक चौमिन की दुकान थी, यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे अब बंद हो चुकी है पता नहीं क्यों। मैंने सोचा था चलो चौमिन खाएंगे जाके, तो आपको ये जो सेब का पेड़ दिख रहा ना इसके पीछे जो घर दिख रहा उसमें थी चौमिन की दुकान, अब बंद हो चुकी है। और व्यू देखो बहुत प्यारा आ रहा है। और बस पानी की बचत को बैट बॉल खेलने लगेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ तक, फाइनली हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं और बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है अभी, तो मतलब ठंडा सा लग रहा है, थोड़ा स्वेटर पहनने का मन कर रहा है ना शाम को, वैसे दिन में थोड़ा गर्मी है, मतलब ऐसी गर्मी नहीं जैसे बाहर शहरों में होता है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, इससे आगे कल हम आपको अपना पूरा गांव दिखाएंगे ससुराल का। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो सबने ही करना है। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही रोज़ बने रहना और अपना ख्याल रखिए, और साथ ही मेरा भी धन्यवाद, मेरा व्लॉग पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने दोस्तों के साथ हमारा व्लॉग शेयर कीजिए। बहुत अच्छी हवा चलती देखो, मज़ा आ रहा है, ठंडा लग रहा है सच में। तो चलो मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।